राम जी, स्वागत है आपका हमारे जिनवर फैमिली ब्लॉग में। और देखिए, जिन चाय बन चुकी है, रानी की चाय ये थी। और मैंने भी चाय में चीनी डाली है कि रानी कम फीक की चाय पी थी। रानी ऊपर है, देखते हैं, चलिए चाय ले चलते हैं जिठानी जी के लिए। चलिए ऊपर छत पर बैठी रानी। लो हेलो जी, इतनी से चाय लाई? वो जल गई सारी चाय। जैस के पैर में दर्द हो रहा है, जैस के पैर दबा रहा है। मैं कहाँ पे बैठूं? हाँ आया था। क्या कह रहे हैं? 8 बजे तक आए। आज चाय पीने और बहुत अच्छी हवा चल रही है। और बहुत ही मन कर रहा है बैठने का, इतनी तेज हवा चल रही है और अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह शांत एरिया है, अभी सब सो पड़े हैं। 5:30 बजे बैठ के चाय पी रहे हैं। 5:30 भी ऐसा लग रहा है जैसे कि 8-9 बज रहे हों, इतना इतना चांदना हो रहा है। मुझे उठ गई थी 5 बजे, इसने मेरे को उठा दिया। मुझे ना ये टेंशन हो रही थी, ये हरिद्वार का है ना तो ये आने वाले हैं, तो मुझे लग रहा था शायद 5 बजे तक आ जाए, तो मेरी आँख अपने आप ही खुल गई। मैंने देखा नहीं आए, फ़ोन करा, फिर 5 बजे मैंने, 5 बजे कह रहे हैं मैं पिलक हुआ हूँ, 1 घंटा लग जाएगा मुझे। मैं तो ठीक है, चलो इतने हमारा भी काम हो जाएगा थोड़ा बहुत, और देखते हैं। 2 दिन में आएंगे, उठेंगे बैठेंगे बात बात करेंगे। रात भी फ़ोन किया था तो कह रहे ट्रेन में खड़े खड़े आ रहा हूँ, सीट नहीं मिली है, क्योंकि पता नहीं था ट्रेन में आएंगे नहीं तो रिजर्वेशन करवा लेते। वो बस में सोच रहे थे आने की, बस में बहुत टाइम लग रहा था, मुझे तो लग रहा बस से ज़्यादा ट्रेन में टाइम लगा। रात को बैठ गए थे 11 बजे? हाँ 11 बजे बैठ गए थे। रात हो गई हरिद्वार से, रात हो गई, सोएंगे अब आराम से, बच्चे सोने का मुझे भी। तो देखिए आज के हैं हरिद्वार से, उठ गया फिर 8 बजे नहाया हूँ मैं। जब इसको फोन करा मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, और ना के 8:30 की ट्रेन थी पहले, तो मैं सीधा स्टेशन जाऊँगा, अब वहाँ ट्रेन पहुँचेगा, ट्रेन निकल गई। फिर बस अड्डे गए, भर गई बस, वो कह रहा भाई सीट नहीं है। मैंने कहा अगली बस कहा जाएगी, क्योंकि 2 बजे रात को, मैंने कहा बेकार। फिर नेट पर सर्च करा तो 11 बजे की ट्रेन थी एक, धक्कम खिचड़ी पूरी ट्रेन में तो खड़े हो गया। अब उसमें कहाँ शॉपिंग करते रहते हैं बताओ, इलाको गलत बात नहीं है। लोगों ने क्या कर दिया, इस झरने से पानी आ रहा है तो उसके आगे 2 मकान बना दिए, उसे रिजोर्ट बना दिया, रिजोर्ट बना दिया। कमरे का किराया 1000 रुपए, नहाना खाना और वो डीजे लाइट। ऑटोग्राफ मंगू है ना, तो नंगू बनाना चाहती हूँ मैं, दिखाता हूँ, चाहती हूँ लड़का कितना नंगा रहता है, फुटी करके आया अभी।
देख रही हो, देखो ये व्यक्ति है जो अलमारी में से चुपचाप पैसे निकाल रहे हैं। तो आ गई है थोड़ी सी गलती से, कोई बात मैं डिलीट कर दूंगी अगर मैं फिर तो नहीं गाई। हां डिलीट कर दे रहा हूं अपना पास मार के। तो सुनना है मम्मा की चुन्नी ला रहा है। हां सुन ले ना सुन ले। और मैंने खीर बना रखी है आज क्योंकि हरिद्वार से आएंगे तो कंच के खिलाएंगे, पांच कंच के सांप लाए बाबा के लिए। देखो जल्दी उठा नहीं है, जाओ जल्दी नहाया। हाँ जल्दी जाओ नहाया, कंच के जमाएंगे ना फिर। जाओ ड्यूटी छोड़ो तुम, आराम करना। नहीं आराम करना, तो वो भर गई है पानी निकलना बहुत बुरी तरह से। तो करते रहना कपड़े ले जाओ गंदे, जाओ आराम। कल से खड़े खड़े हो जाओ, गंदे कपड़े लेना ऊपर ही चेंज कर लेना। ये बैग भी ले जाओ, ऊपर ही रख देना बैग। अभी खीर बन चुके, जल्दी आ जाओ। सारा सामान खुद ही लेके जाना पड़ेगा। हाँ जी मैं किचन में हूँ, काम कर रही हूँ किचन का। ऐसे होता भी कैसे होता है, तुम्हें मुझे देना चाहिए, तुमने हो लिया सब कुछ। ओके दे दूंगी बस, जल्दी जाओ ऊपर राघव। देखो हमारे किचन में पानी कहाँ आ रहा है, बहुत बुरा हाल है किचन का हमारे। देखिए हरिद्वार से है ना तो कंज के खिलाते हैं, तो पांच कंज के बुलाए रखी है हमने छोटी छोटी। ये ओए की बगी परी, ए परी बैठ जा, बैठ जा, पापा मारेंगे। बैठ 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 जा, बैठ जा, डरती नहीं है। देखो परी बैठ जा, चीज खाइयो, बैठ जा। खीर बनाई है जी, बैठ जा। लांगुर भी है हमारा, लांगुर हो रहा है। ये देखो ये उठी, ये दांत हो गए ना जब भी बैठती है ये। तुम ये भी ना डांट के नहीं बैठती, लड़की बड़ी तेज है, डांटे ना पापा ने। देखो ये प्रसाद है हरिद्वार का, इससे भी दे दो खील। चम्मच भी तो कहाँ, चम्मच ले आना उनकी। नहीं से नहीं परी खा ले। हाँ देख समझदार निकली परी, तो अपनी मर्जी नहीं खा रही लेकिन वो। परी खा लो, खाओ। हरिद्वार से है ना तो कंज के खिलाते हैं, तो पांच कंज के बुलाए रखी हमने छोटी छोटी। ये ओए की बगी परी, ए परी बैठ जा, बैठ जा, पापा मारेंगे। बैठ 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 जा, डरती नहीं है। देखो परी बैठ जा, बैठ जा, चीज खाइयो, बैठ जा। खीर बनाई है जी, बैठ जा। लांगुर भी है हमारा, लांगुर हो रहा है। ये देखो ये उठी, ये दांत हो गए ना जब भी बैठती है ये। तुम ये भी ना डांट के नहीं बैठती, लड़की बड़ी तेज है, डांटे ना पापा ने। देखो ये प्रसाद है हरिद्वार का, इससे भी दे दो खील। चम्मच भी तो कहाँ, चम्मच ले आना उनकी।
मैं से नहीं, परी खा ले। हाँ देख समझदार निकली परी तो, अपनी मैं से नहीं खा रही लेकिन वो परी खा लो। तो चाय चालू कर दी बनानी मैंने। ये हमारी चाय, ये मम्मी की चाय, और ये जैस का दूध, ये राघव का दूध जो राघव गोल मीठा वाला दूध पीता है। जैस नहीं पीता, उसे नहीं अच्छा लगता गोल मीठा वाला दूध। तो मैं कभी गलती से दे भी देती हूँ ना, तो पी लेगा निपल में डाल के दे देती हूँ, तो वो नहीं पीता। कहता है आपने चाय डाल के दी है, निपल में नहीं चाय पिएगा, कप में चाय दूंगी ना तो पी लेगा। इतने तेज हो रहे हैं बच्चे भी आज के, और ये थके हुए हैं अभी, सो रहे हैं सुबह से, सो रहे हैं जब से कंकी खाई है, खिलाई है उन्होंने, जब से सोए हुए हैं, खाना खाया, खाना खा के सो गए, अभी भी सोए हुए हैं। मैं सोचती हूँ चाय बना लूँ जब उठाती हूँ चाय पीने के लिए, और उन्होंने दोपहर को भी नहीं खाना खाया। मशीन लगा रखी है मैंने, तो कपड़े धो लेती हूँ थोड़े से, फिर बहुत ज़्यादा हो जाते कपड़े, तो देखते हैं धुलेंगे कि नहीं, क्योंकि कई बार मैं शाम को धोने लगती हूँ ना, तो आधे शाम को धुलते हैं आधे सुबह धुलते हैं। आप सोच रहे होगे मम्मी की चाय लगती है, मम्मी चाय दूध दूध की पीती है और हमें नहीं अच्छी लगती दूध दूध की चाय, हमें पानी वाली चाय अच्छी लगती है। मम्मी की चाय देने, मम्मी की चाय बन चुकी है, कप पर भाप बन गई थी। कुत्ता यहाँ पे सोता है हमारा, मम्मी की चाय, और आ चुकी मैं ऊपर, चाय हुई कि नहीं। जाते हैं और नीचे जाते हैं ना, बहुत बुरा आ रहा है क्योंकि ऊपर नीचे में ज़्यादा थक जाते हैं काम से ज़्यादा। आ जाइए चाय भी पी लीजिए, अभी टाइम लगेगा, खोल रही है चाय थोड़ी सी। बच्चे ट्यूशन चले गए, मैंने कपड़े भी धो लिए, कपड़े सूख भी गए हैं, और करेले भी काट लिए, लेकिन ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं आज इतनी दूर से आया हूँ हरिद्वार से, तो करेले बनाएंगे। मैं कह नहीं, जो बनवाओगे बना दूँगी, तो कह रहे चलो बाहर को चल रहे हैं, देख के आते क्या लेंगे, और अभी फ्रेश होने गए थोड़ा सा, हम भी चलते हैं नीचे। करेले कट चुके हमारा करेले, अब नमक लगा के रख दूँगी सुबह बनाने के लिए। हाँ जी आ जाना, फोन ले जा रही हूँ मैं चला रही हूँ मोटर रानी के लिए राशन लेने, और मोटर टंकी हो गई खाली, तब हमारी मोटर यहाँ से चलती है, चला दी, देखते हैं पानी आया कि नहीं। नहीं आ गया, चला दी। बच्चों का भी टाइम हो गया, ले आते हैं बच्चों को भी, 7:30 हो गए, 7 बजे का बच्चों का ट्यूशन, और अब बने रहिए, अगर देखते हैं बाहर हुआ वीडियो बनाने का तो जरूर बनाऊंगी। अब 2-3 महीने बाद है ना मेरे पास चलना, आपको ट्यूशन से लेके आ रहे हैं। सोच रहे हैं इनको थोड़ा सा बाहर कुछ खिला के लाएं, चलते हैं। अब क्या खाओगे?
तो मोमो अच्छे लगते हैं। जय साहब क्या खाओगे? मैं वो सरप्राइज खाऊंगा। सरप्राइज इसको बोलते हैं ना, सरप्राइज।